तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बस स्टैंड, अभी बस का वेट कर रहे हैं। देखते हैं कब तक आता है बस। लगता है आज बारिश होगा, बहुत ज़्यादा क्लाउड है। तो गाइस हम लोग बहरमपुर बस स्टैंड आ गए हैं। यहाँ से और एक घंटा लगता है जहाँ पर जाना है वहाँ जाने के लिए। तो वही हम एक और बस में बैठे हैं और आते टाइम पे बस का बस बहुत ही अच्छा आ रहा था तो बहुत जल्दी हम आ गए। विद इन 2 आवर हम बहरमपुर पहुँच गए हैं। और आते टाइम एक जगह पर बस रुका था तो मम्मी ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भेजा था हम लोगों के लिए, तो पूरा तो नहीं खा पाए थे जो भी ब्रेकफास्ट उन्होंने भेजा था। बस हम लोगों ने एक खा लिया और कुछ बिस्किट्स खा लिया था। अभी उन्होंने जो भी खाना भेजा है ना, अभी खाने का मन नहीं कर रहा है। और इन्हें बोल रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर के करीबन हम पहुंच जाएंगे घर पे। तो और भी कुछ खाना है, स्नैक्स वगैरह, अगर भूख लगेगा वो खा लेंगे। और मम्मी ने रोटी और फिर कुछ कड़ी वगैरह भेजा है, वो अभी रास्ते में खाना अच्छा नहीं लगता। और बस बहुत ज़्यादा जार्किंग होता है, तो बस चलते टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। अभी थोड़ा सा रुका है, मतलब अभी छोड़ा नहीं है बस, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हुआ कि हम सुबह सुबह निकले, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाता। 8 o'clock नाउ, मे बी 10 o'clock के अंदर हम घर पहुंच जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी तक जितना अच्छा सेफली जर्नी किया है, और 1.5 घंटा लगेगा, 1 घंटा वो वहाँ पर पहुँचने के लिए, वहाँ से एक टोटो भी लेना पड़ता है। तो देखते हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, फोन पे बात कर रहे हैं पीनो। ये रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जो बरमपुर जो है, इसको नॉर्थ और में कनेक्ट करता है। बहुत पुराना ब्रिज है और यही एक ब्रिज है जिस पे हम लोग बहुत बरसों से ट्रैवल करते आए हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं घर और आके ही हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी
और फ्रेश होने के बाद आपसे मिलता है। এই পূজা মন্ডপটি ফাঁকা করুন। পূজা নিয়ে পূজা মণ্ডপ ফাঁকা করুন। সবাই এসে পূজা নিয়ে যান, তারপর পূজা মণ্ডপটি ফাঁকা করুন। गुड मॉर्निंग गाइस, ये जो दूर से दिखाई दे रहा है ना एक गेट, ये हमारे गांव का HS स्कूल है, हाई सेकेंडरी तक है। पहले मैं जब पढ़ता था स्कूल में तब क्लास 8 तक था, फिर क्लास 10 तक हुआ बाद में, फिर बाद में क्लास 12 तक हुआ। मेरे पापा इसी स्कूल में नौकरी करते थे। जब स्कूल सैंक्शन हुआ उससे पहले से लेके 2011 तक मेरे पापा इसी स्कूल में नौकरी किए। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, ये मेरे घर के जो मेन गेट है ना उसे ले रहा हूँ। अभी दिखाएंगे कि मेरा घर कैसा है। गाइस आप लोग जो देख रहे हैं ये मेरा घर है, तो कुछ पेड़ लगा हुआ है, तो इधर एक मोर बना हुआ है डिजाइन में सीमेंटिंग में। ये मेरा घर है, मेरे घर का फ्रंट साइड है, और आप लोगों को दिखाई देगा।